नहीं जाती पगली। जानते हो विनी, इसने स्कीइंग जो है ना स्विट्जरलैंड में सीखी है। अच्छा, उसका बाप बहुत रईस है और उसका बचपन वो तो फ्रांस में गुजरा है। फ्रांस में देखो फ्रांस में। मेरी तरह पढ़ाई में भी चैंपियन बनकर दिखाए, बस बर्फ उछालते हुए फिरती है। अरे ये लड़कियों का कॉलेज है, जरा सिलाई बुनाई इसमें तो चैंपियन बनकर दिखाए। तो मैं मानू? मैंने तो सुना है इसके डैडी ने इसे लड़कों की तरह पाला है। हाँ? कोई भी लड़की को लड़के की तरह लाख पाले वो तो लड़की ही रहती है, और लड़का तो उसकी जिंदगी में बॉयफ्रेंड ही बनकर आता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो कितनी टीनी मीनी सी नन्नी सी गुड़िया लगती है, इसका बॉयफ्रेंड तो हो ही नहीं सकता। ये और नन्ही मुन्नी। हाँ, लगी शर्त ना बाबा, मुझे डर लगता है। अरे बाबा लगाओ ना। अरे क्या हुआ? आशा आशा, विनी कहती है ना कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मेरा बॉयफ्रेंड? हाँ, देखोगे तुम लोग। हाँ, क्या तेरा बॉयफ्रेंड यही है? ऐसा करो, थोड़ी देर के बाद सब लोग मेरे कमरे में आ जाना, ओके? हाँ, सब लोग आ जाना। बाय। ये तो अपना बॉयफ्रेंड दिखाने वाली थी ना? अरे यही है। हाँ? आजकल है ना लड़के लोग है ना लड़कियों की विग पहन लेते हैं और वो सब भी लगा लेते हैं। दोनों में से कोई हुआ तो? हाँ? ना बाबा, मुझे डर लगता है। सर, जब इंसान मुसीबत में होता है तो उसे एक दोस्त की जरूरत होती है। कम अलोंग। आउच। क्या हुआ? दर्द। दर्द का इलाज आरके 500। वाओ यार, फैंटास्टिक। यार इट इज ग्रेट। जानलेवा मॉडल है। डोंट कॉल हिम अ मॉडल, ही इज अ जीनियस। वो लिखता है, डायरेक्ट करता है, पेंट करता है, कंसीव करता है, और एक्टिंग। एक्टिंग तो इसलिए करता है क्योंकि लड़कियां उस जालिम को देखकर दिल थाम लेती हैं। क्या क्या आग दोनों तरफ बराबर लगी है? शोले अभी उनके दामन तक नहीं पहुंचे क्योंकि वो अब तक मुझे कम सिन समझते हैं। फर्ज ये है कि दिल भी है खाली और घर भी है खाली। उनको मिलेगी कोई किस्मत वाली। अनंत। यस सर। अशोक शूटिंग के लिए गुलमर्ग जा रहा है, उसके सारे अरेंजमेंट्स कर दो, उसे वहां कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर, अशोक पर आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान रहते हैं। इसकी भी वजह है, मैंने उसका टैलेंट देखकर उसे फुटपाथ से उठाया था और उसने मेरी सारी उम्मीदें पूरी की हैं। ही इज अ जीनियस। और फिर जब तक वो हमारे लिए काम का साबित होता है,
हम भी उसका ख्याल रखेंगे। और हाँ, मैंने आशा को भी लिख दिया है कि अशोक गुलमर्ग आ रहा है। ओके, यस सर, थैंक यू। गुड डे, डैडी का लेटर आया है, अशोक गुलमर्ग आ रहा है। लवली, फैंटास्टिक। अशोक, अरे गुड्डी, लगता है भगवान ने आशा की नहीं मेरी सुन ली है। अशोक, आई लव यू। किसी का होश उड़ा देने वाला शबाब नहीं देखा। ए, किससे बातें कर रही है? हाँ? खुद दिल से दिल की बात कही और हंस दिए। हाँ। ना बबना, मुझे डर लगता है। अरे पगली, जरा सोच, सोच ना। अशोक गुलमर्ग आ रहा है, वो राइटर है, डायरेक्टर है, खुद एक्टर है, अरे वो तो मेकर है। और मैं खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, एम्बिशियस हूँ, विलिंग हूँ। जरा सोच, अगर हम दोनों का मिलन हो जाए तो? तू तो हवा में उड़ने लगी है, जैसे तूने कहा और उसने तुझे मॉडल बना दिया। ऐसे थोड़ी बनाएगा वो। फिर कैसे बनाएगा? दीनों ईमा खराब होता है, ऐसा काफिर शबाब होता है। समझी आप? नहीं समझी? हाँ, मुझे तो कल सुबह का इंतजार है, मेरी किस्मत के सुबह का। साहब, यूनिट के सारे आदमी को खाना खिला दिया, आपका खाना लगा दो साहब। नहीं, रहने दो, हम बाद में खा लेंगे। साहब, एक बात पूछूं? पूछो। ये 15-16 घंटे आप काम कैसे कर लेता है साहब? तुम ही बता। साहब, दो ही बात हो सकती है साहब। क्या? या तो आदमी के सर पर भूत सवार हो, या फिर इशक सवार हो। साहब, पढ़े लिखे तुम हो नहीं यार, लेकिन बात हमेशा पते की करते हो। हाँ, मेरे सर पे इश्क सवार है। साहब, मैं आपका पुराना नौकर हूँ, आज तो अपने दिल की बात बता दो। बता दे। हाँ साहब, वो कौन से खूब सुंदरी है साहब? ठीक है, आज तू पूछ ही रहा है तो बता ही देते हैं। यहाँ बताओ साहब। वो खूबसूरत सुंदरी है हमारा काम। ओ गॉड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे तुम कहाँ से चली आई? बाहर इतनी बर्फ गिर रही है, अगर सर्दी लग गई तो? सर्दी लगी तो मैं कोई नानी बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे ना, तुम तो नानी माँ हो ना। हाँ, चलो चलो घर चलो। अगर दीवान साहब को पता चल गया ना तो वो कहेंगे वो तो बच्ची थी, लेकिन तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए। डैडी मुझे कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। अरे तो ब्रांडी लाना। अरे डैडी की बच्ची ना, ओवरकोट पहना ना स्वेटर, अगर निमोनिया हो गया तो। ओफो, ये लो पी लो। इतनी ब्रांडी? इतनी ब्रांडी मैं तब पीती थी जब मैं 4 साल की थी। जब तुम 17 साल की हो जाओगी ना, तब इतनी पीना। How dare you do like that to me? चलो चलो, बचपना छोड़ो, घर चलो। चलो। बाहर बहुत सर्दी है, आज मैं यहीं सो जाऊंगी। नहीं, ना तुम सोओगी ना मुझे काम करने दोगी। I promise, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। देखो मैं सो गई, अब तुम आराम से काम करना। हाँ, हर फिल्म में शोभा को ही मॉडल क्यों लेते हो? क्या मॉडल है, क्या ग्रेस है, क्या फेस है। डायन लगती है। अरे
तो फिर जाके तुमने कहा था तुम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे। इस दफा गलती हो गई, एक बार माफ कर दो। आप तो बिल्कुल माफ नहीं करने वाला। आप तो तुम गिरती हो बर्फ में भी अगर खड़ी होकर कसम खाओगी ना तो मैं मानने वाला नहीं। सीधे हॉस्टल लेकर जाऊंगा तुम्हें। बस बिहेव योरसेल्फ। फोन करके मैं परेशान हो गई, ऊपर चावल की बोरी की तरह लात कर मुझे फेंक। ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है सज धज के? मैंने तुमसे कहा था ना मुझे सुबह का इंतजार है, अपनी किस्मत के सुबह का। ना बाबा मुझे डर लग रहा है। ओफो, बाय बाय। अरे ये तो सचमुच चली गई, अब तेरा क्या होगा आशा? आशा देखो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इतनी देर से तुम यहाँ खड़ी हो ना कुछ बोल रही हो। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या चाहती हो आखिर? हाँ कहना क्या चाहती हो तुम? हाँ मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन गला सूख गया है, जबान पे कांटे पड़ गए हैं। पानी देंगे आप मुझे? अभी ला पानी। गॉड हेल्प मी, थैंक यू, थैंक यू। नहीं नहीं इस बर्फीली सर्दी में तुम्हारा इस तरह पसीना पसीना हो जाना और एक ही सांस में पानी का पी जाना कुछ। होल्ड ऑन, ये बाल देखें? हाँ? ये चश्मा देखा? आ? ये जोकरों की तरह कपड़े देखें? जी ये मॉडल बनना चाहती हैं आप? हाँ जी। देखिए देखिए मैं आपके सामने नर्वस जरूर हो गई थी लेकिन कैमरे के सामने तो भूत नजर आ रहा है ना। अरे कैमरे का नाम लिया छुट्टी हो गई, कैमरे के सामने आओगी तो कांट की उल्लू नजर आओगी। क्या नजर आओगी? कांट की उल्लू लगती। नेवर माइंड। देखिए मैं यहाँ अपने भरोसे कम आपके भरोसे ज्यादा आई हूँ। लोग कहते हैं कि डायरेक्टर संग तराश होता है, पत्थर में भी जान डाल सकता है, और आखिर मैं लड़की हूँ, पांव से सर तक मैं जवान हूँ। क्या मैं आपको जवान नहीं लगती? हा? देखिए देखिए मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं मोम की तरह मुलायम हो जाऊंगी। आप जिस सांचे में ढालना चाहे ढल जाऊंगी। मैं अपने विनी की बच्ची, तेरे सांचे का खांचा तो मैं बनाती हूँ। यू सिली गर्ल, तेरी तो अरे 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 ये क्या कर रहा है? अरे बिहेव योरसेल्फ। तुम चुप रहो, तमाशा देखो, ये हमारा आपसी मामला है। चल रेडी हो जा। अरे पकड़ क्यों, मैं ठहर जाओ। देखने देना, देखने देना, मारूंगी मैं तुझे। इस सामान तो मैं ऐसी चटनी बनाऊंगी, छोटी थी जिंदगी भर याद थी। नॉट माई मिस्टेक सर, आप ही मुझे मार रही थी। लगी तो नहीं आपको? अभी बताती हूँ कैसी लगी। साली कहाँ गई? अरे कहाँ चली गई रे ससुरी, कहाँ छुपी है तू? इधर छुपी है रे। माफी माफी, बाय मिस्टेक सर। मुझे मार रही है बहुत जोर से। पापा देखिए बाहर सर्दी बहुत है, मेरा कोट दे दीजिए। अभी उतारती हूँ तेरी सर्दी। फूलिश गर्ल, ये तो यूं ही डरती रहेगी। अंदर चल के अशोक को असली बता दे, नहीं तो ये इसकी जान ले लेगी। चल जल्दी चलो जल्दी चलो। ये बेबी है ना बहादुर साहब, बड़ी अच्छी फाइटर बन सकती है। आइए आइए, आप लोगों की कमी थी। जॉइन इन। आप मजाक समझ रहे हैं, आशा विनी को सचमुच मार डालेगी, वो आपसे बहुत प्यार करती है। व्हाट, क्या बक रही हो? हाँ कसम से, अरे बचाइए ना। अरे 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 बिहेव योरसेल्फ, क्या कर रही हो? तुम्हारा बचपन कभी नहीं जाएगा, बच्ची की बच्ची रहोगी क्या? मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं बच्ची नहीं हूँ। शुक्रिया दिल दिया, शुक्रिया दिल दिया, शुक्रिया दिल दिया, शुक्रिया।